नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की समाइश के बावजूद छत्तीसगढ़ में पार्टी का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकस्सी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी पार्टी नेतृत्व के साथ मुलाकात की संभावना है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली में होंगे। हालांकि विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 35 मंत्री विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली जा रहे हैं। उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय है। सोनिया गांधी के साथ भी बैठक की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद बुधवार को रायपुर लौटने पर बघेल ने कहा था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आदेश से वो इस पद पर आसीन हुए हैं और उनके कहने पर तत्काल इस पद को त्याग देंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों बघेल गुट और सिंहदेव गुट के बीच मतभेद उस वक्त और बढ़ गए जब कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया था कि वो उनकी हत्या करवाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बृहस्पति सिंह को मुख्यमंत्री बघेल का करीबी माना जाता है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या भूपेश बघेल इस पद पर कायम रहेंगे। इसकी अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।